दिखाई दे रहा नजारा जिला सोलन के माल रोड का है, जहां सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के कारण बाजारों में आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि समस्या को लेकर कई बार शहरवासी प्रशासन गौशाला कमेटी से मिल चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। वहीं पशुओं के सड़कों पर डेरा जमाए रखने के कारण आए दिन लोगों को सड़क दुर्घटना का डर सताता रहता है। साथ ही समस्या को देखते हुए शहर के लोगों ने प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है। तीन जो पशु हैं और ये नए हैं, मैंने इनको खुद भी एक दिन मालोड़ के ऊपर में इनको चारा भी डाला था जिस दिन गोपाल अष्टमी थी। वैसे तो हमारे जो बड़े बड़े प्रतिनिधि है वो गौशाला में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की, लेकिन जो सड़क पे घूम रही है हमारी गाय माता है, जो तीन गाय माता घूम रही हैं जिनके कान के ऊपर टैग भी लगे हैं और टैग नंबर भी स्पष्ट रूप से पढ़े जा रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में जो प्रशासन है, सरकार है, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये जब तक ये गाय माता दूध देती रही तो अपने घर में रखा और उसके बाद इनको सड़कों पर छोड़ दिया, या ये किसी वाहन से टक्कर खाकर इनके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, या ये आज जो सड़कों पर घूमकर चाहे कुछ भी इनको खाने को मिल रहा है, कोई मैंने देखा कोई पॉलिथीन मिल रहा है तो उसको भी मुंह मार रही है, या इस तरह से ये छोड़ना बिल्कुल ही निंदनीय है। जबकि हमारे सोलन शहर के पास में और सोलन विधानसभा के भी अंदर बहुत सी चैरिटेबल गौशालाएं चली हुई है जिनको सरकार की तरफ से एड भी मिलती है, उसके उपरांत भी अगर इस तरह से जो ये पशु हैं, जो गायें हैं, अगर ये सड़कों में घूम रही है तो ये बहुत ही, मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इन पशुओं के जो टैग हैं, टैग नंबर से जो भी इनके मालिक है उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि ये बहुत ही अमानवीय काम है जो कि नहीं होना चाहिए। जिस तरह से गौ माता को सड़कों पे छोड़ देना, दूध नहीं देती है, या मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत से ये माता भी जननी हैं और हमारी माता भी जननी होती है, और बहुत से जो लोग हैं वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, जबकि उनके ऊपर भी अब सरकार ने बहुत सख्ती कर दी है कि अगर ऐसा कोई करता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो इन पशुओं को छोड़ने वालों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मैं मांग प्रशासन से करता हूँ। गौरतलब है कि इन बेसहारा पशुओं के कारण शहरवासियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या को देखते हुए शहरवासियों ने एक बार फिर से प्रशासन को समस्या से अवगत कराया है और प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग की है। बहरहाल अब देखना ही होगा कि उनकी समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।